हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स फ्लेवर्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया था, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो देखिएगा, 1 to 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को कम्प्लीट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की बात करें, मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, डिटेल में कराए हैं, हर एक टॉपिक को जो भी जहां पे यूज हुआ है हर चीज़ अच्छे से डिस्कस करी है। ठीक है, तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आज के वीडियो में शुरू करेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें जो है बेसिकली 0 से लेकर के सारी चीज़ें चलता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के। क्या दे रखा है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, जो कि है x² + x - 1, ठीक है, = 0। इसमें क्या निकालना है? मूलों की प्रकृति हमें फाइंड करनी है। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो देखिएगा, शुरू करते हैं, मूलों की प्रकृति किस पर डिपेंड करती है? पहला क्वेश्चन तो ये है, मूलों की प्रकृति जो डिपेंड करती है वो आता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जिसे आप लोग विविक्त कर बोलते होंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac, है ना। अब देखो, d कितने टाइप की हो सकती है? ठीक है, एक तो d = 0 हो सकता है, दूसरा केस बनेगा d > 0 और d < 0। ठीक है, जब d = 0 बनेगा तो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिनिक्ट। इसका मतलब क्या है? वास्तविक और असमान। ठीक है, जब d = 0 आएगा तो वास्तविक और इक्वल होंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल। d > 0 आएगा तो रियल एंड डिस्टिनिक्ट होंगे, मीन्स वास्तविक तो होंगे बस साथ साथ में भिन्न भी होंगे, असमान भी होंगे। ठीक है, अगर d > 0 आता है तो रूट्स इमेजनरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पहुंच जाएंगे, मीन्स काल्पनिक हो जाएंगे, या अवास्तविक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में बेसिक चीज़ क्या है? हमें डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज़ पे देखो डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है? x² + x, ठीक है, और फिर दे रखा है -1 = 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, इसकी हम कंपेयर कराएंगे जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्या होता है? ax² + bx + c = 0। इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देंगे। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है, देखो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू भी 1 यहाँ पे है, और c की वैल्यू देखो -1 है। तो हमें क्या मिला? ए, बी और सी तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम डी फाइंड करेंगे, जो कि होता है b² - 4ac। अब देखो, बी कितना है? बी है यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए कितना है? 1। सी कितना है? -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 प्लस हो जाएगा 4। भाई देखो, ये माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस प्लस, मीन्स कितना आ गया? 5। अब 5 0 से ग्रेटर होता है, मीन्स डी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 0 से ग्रेटर आई है, d > 0। अब जब d > 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल और डिस्टिनिक्ट, मीन्स वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या बन जाएगा? वास्तविक और असमान हो जाएंगे, वास्तविक तथा समान नहीं होंगे। वास्तविक और समान कब होते? अगर हमारा डी 0 आ जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है समान होंगे, समान तभी होंगे जब 0 आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं कब आएंगे? जब d > 0 आना चाहिए, तब कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें चेक करना है, 4 ऑप्शन है ABCD, इनमें से चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण नहीं है। तो नहीं को पहले अंडरलाइन करिएगा, हमें चेक करना नहीं है। ठीक है, आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। ए में क्या दे रखा है? x + 1 x - 1, दोनों की अगर प्रोडक्ट करा दिया जाए तो मीन्स हमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 मिलेगा। ठीक है, 2 मिलने का मतलब क्या हुआ? जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ढूंढना है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, बी की बात करें, साफ साफ हमें दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम x की जो पावर है, मीन्स डिग्री जो है कितनी है? 2 है। ठीक है,
अब जब डिग्री टू होती है तो जे भी पॉलिनोमियल एक द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, तो जे ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में एक्स की पावर मैक्सिमम 2 है तो जे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, जे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑप्शन गलत हो गया ना। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, सॉरी नहीं बनेगा, इसीलिए जे करेक्ट होगा। क्यों, देखो भाई इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या दे रखा है, एक्स प्लस 3 upon x = x2। एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब टोटल के नीचे एक्स आएगा और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स की मल्टीप्लाई इस साइड में होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 = x³। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो लिखेंगे x³ - x² - 3 = 0। ठीक है, जे पॉलिनोमियल जो निकल के आया है, जे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 है और 3 पावर होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल CP बोलते हैं। ठीक है, तो जे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसीलिए जे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मुझे नहीं लगता इसे कराने की ज़रूरत भी पड़ेगी। क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² - 5x + 4 = 0। इसमें विविक्त करने से हमें डी ही फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो सिंपली ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए कितना मिल जाएगा, 1। बी हो जाएगा, देखो बी जे का कोएफिशिएंट होता है तो -5 हो जाएगा, और सी की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब किसमें वैल्यू रखनी होती है, b² - 4ac में। b² कितना हो जाएगा, 25 है ना, 25 प्लस कितना होता है, 4ac 4। ठीक है, इंटू ए कितना है, 1, इंटू सी कितना है, 4। तो 25 प्लस कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और माइनस होता है, सॉरी -4ac। तो 25 - 16 = कितना होता है, 9। तो इसका डी कितना आ गया, 9। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक फार्मूले को लर्न करना है, इस फार्मूले को, और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। विविक्त का तो एक क्वेश्चन बनता है, वन मार्क का कई बार पूछा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, निम्नलिखित में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4 - 1/2 x² का शून्य कौन है। ठीक है, ए बी सी डी, इनमें से कोई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है एक जीरो है, शून्यक है। ठीक है, तो उसको हमें चेक करना है कि कौन सा शून्यक है। तो देखो, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी शून्यक है ना, तो क्या इस इक्वेशन को वो पक्का सेटिस्फाई कराएगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। अब सपोज करते हैं डी जो है इसका शून्यक है, तो x = 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी x = 4 अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें 4 - 1/2 x², तो हमें इसकी वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। अगर 0 मिल गई तो वो 0 होगा, मीन शून्यक होगा। अगर 0 नहीं मिली तो वो शून्यक नहीं होगा। क्लियर, अब देखिएगा 0 यहाँ पे अगर हम 4 लगाएं तो 4 तो हो जाएगा 4 - 4 = 16/2 8, विच इज नॉन इक्वल टू 0, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी फॉल्स हो जाएगा, है ना। सी 0 लगाएंगे तब भी नहीं मिलेगा, 2 पर भी नहीं मिलेगा, 2√2 पे चेक करते हैं। अब देखो 4 - 2√2 का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 4 - 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 = 8, 8/2 हो जाएगा, 8/2 means 4। तो 4 - 4 कितना होता है, 0, है ना, 4 - 4 = 0, मीन्स जे क्या है इसका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बनेगा 2√2, ठीक है, 2√2 क्या होगा, बाकी जे भी फाल्स हो गया, जे भी फाल्स, तो इसका शून्य 2√2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इससे काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है, निम्नांकित जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वर्ग समीकरण में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा, मीन्स परिमेय रेशनल नंबर का एक सेट बनना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर का सेट। अब फर्स्ट ऑप्शन है x² = 5। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इसका अगर हम सोल्यूशन फाइंड करें, ठीक है, इसका सोल्यूशन अगर फाइंड करें तो क्या इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा
वो एक परिमेय संख्याओं का सेट होगा। देखो इसको सॉल्व करें तो एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्लस माइनस रूट फाइव। तो हमें सेट मिल गया माइनस रूट फाइव कामा रूट फाइव, है ना। जे क्या हो गया, इसका सेट हो गया। क्या जे परिमेय संख्याओं का सेट है? नहीं भाई, साफ साफ दिख रहा है जे परिमेय संख्याओं का सेट कभी नहीं बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। सी में क्या दे रखा है, एक्स, और फिर एक्स माइनस टू इक्वल्स टू क्या दे रखा है, थ्री माइनस टू एक्स। एक्स की मल्टीप्लाई कराइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू इस साइड में क्या है, थ्री माइनस टू एक्स है। देखो टू एक्स से टू एक्स कैंसिल, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री। इसे भी सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट थ्री, है ना, प्लस माइनस रूट थ्री। जो भी एक सेट जो है रेशनल नंबर का तो नहीं बनेगा, डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर का सेट नहीं बनेगा। इसी टाइप से हम ऑप्शन नंबर डी को डायरेक्टली चेक करते हैं, शायद बन जाए। जे देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन, है ना, और इंटू में दे रखा है एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस वन कामा वन, ठीक है। अब देखो सिंपली बात करते हैं, जो हमें सेट मिल के आया है वो माइनस वन कामा वन है। ये क्या है, एक सेट है। अब देखो रियल लाइन हमारी होती है इस टाइप से, एक हमारी रियल लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे सपोज करते हैं जो जीरो होगा, इस साइड में माइनस वन और वन होगा, ठीक है। अब इसके बीच में माइनस वन, माइनस वन टू वन जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब कैसे नंबर्स होंगे, रेशनल नंबर ही होंगे, रेशनल नंबर का पूरा सेट बनेगा। जीरो पे फेल कर सकता था, बट जीरो भी क्या होता है, जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि जीरो को पी अपान क्यू टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, पी अपान क्यू टाइप में लिखना चाहिए, क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, पी और कामा क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, पी और क्यू जो है रियल नंबर से आने चाहिए, ठीक है, सॉरी रियल नंबर नहीं, इंटीजर से आने चाहिए, या रियल नंबर कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो ये जो है परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो माइनस वन कामा वन जो सेट बनेगा वो पूरा का पूरा सेट जो है रेशनल नंबर का, मीन्स परिमेय संख्याओं का ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी के ऑप्शन जो हैं सारे फाल्स हो जाएंगे, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और जे भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो सीरीज जो है लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, फिर उसके बाद कोई दूसरा नेक्स्ट चैप्टर उठाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, और अलग से कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोग बेझिझक पूछिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, साथ में जुड़े रहिएगा और सीखते रहिएगा।